अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप हाउ टू स्टार्ट अ 3 ईयर किड टू डू वर्क, कैसे आपने उसको वर्क स्टार्ट कराना है। तो जैसे मेरी बेटी है 3 इयर्स की, तो अब माशाल्लाह से 3 एंड हाफ की हो गई है, 4 इयर्स की होने वाली है। तो मैंने उसको कैसे वर्क स्टार्ट कराया, तो ये मेरे पास राइटिंग बुक्स हैं 3 इन 1, जिसमें इंग्लिश, उर्दू एंड मैथ्स तीनों का वर्क होता है। तो उसको मैंने जब स्टार्ट करवाया था तो मैंने उसको खाली पेजेस दिए थे, उसके ऊपर उसने लाइंस, स्ट्रेट लाइंस वो ड्रॉ करती थी या किसी भी एंगल में वो लाइंस ड्रॉ करती थी। तो मैंने उसको काफ़ी बुक्स जो थी वो राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई। जब वो 3 इयर्स की हो गई, उसके बाद मैंने उसको ये इस तरह की जो राइटिंग बुक्स हैं वो दी और उसको वो स्टार्ट करवाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो बेबीज़ को ट्रेसिंग करना सिखाएं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे, ट्रायंगल पे, रेक्टेंगल पे, कर्सिव, ठीक है, इस तरह की ये जो हैं ये सिखाएं उसको, ताकि उसका उसकी पेंसिल ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। माशाल्लाह मेरी डॉटर की तो ऑलरेडी पेंसिल ग्रिप बहुत अच्छी थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा इस पर मेहनत उसको नहीं सिखाना पड़ा। तो मैंने जब फर्स्ट उसको स्टार्ट करवाया तो मैंने एक इस तरह की ट्रेसिंग सिखाई, साथ इसमें स्मॉल लेटर्स नहीं थे तो मैंने साथ में स्मॉल लेटर्स खुद से लिख के तो मैंने उसको पहचान करवाया कि ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है। ठीक है, और साथ में इससे क्या वर्ड बनता है, साउंड उसकी क्या है। तो काफ़ी टाइम लगा था फर्स्ट में, मैं उसको स्टार्ट कराती थी 1, 2, 3 लाइंस, क्योंकि छोटी थी तो उसके हैंड्स जो थे वो थक जाते थे, नहीं वो ज़्यादा ज़ोर से ग्रिप करती थी तो वो पेन होता था हैंड में। तो बिल्कुल मैंने 1, 2, 3 लाइंस, 3 लाइंस बस। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर 3 लाइंस, और सिर्फ मैंने उसको एक टाइम में एक वर्क करवाती थी। अगर मैंने उसको अब इंग्लिश का वर्क कराया है, ए लिखवाया है 3, तो मैं उसको और कोई साथ में वर्क नहीं कराती थी। ठीक है, फिर मैं शाम में उसको, अगर मैंने मॉर्निंग में ये कराया है इंग्लिश का, तो मैं शाम में उसको ये मेरे पास इसके अंदर ही उर्दू की राइटिंग है और काउंटिंग है ये, तो मैंने उसको 1, 2 लाइंस, ठीक है, ये उसको ऐसे स्टार्ट करवाया, 1 काउंटिंग स्टार्ट कराई। फिर नेक्स्ट डे मैंने उसको उर्दू का स्टार्ट कराया। ठीक है, वो भी मैंने उसको बताया, पहचान कराई कि ये अलिफ है, ये उर्दू का वर्क है, और वो भी मैंने 3 लाइंस, 2, 2, 3, 3 लाइंस करके उसकी जो फर्स्ट राइटिंग बुक थी वो कंप्लीट हुई थी तकरीबन 3 माह में, 3 माह में उसकी फर्स्ट राइटिंग बुक कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मैंने उसको 2 और राइटिंग बुक्स लेके दी जो ज़रा थोड़ी डिफरेंट थी, जिसमें बहुत ज़्यादा पिक्चर्स थी, एनिमेशंस थी, ताकि वो उससे रिजेंबल करके लर्न करती। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी हालत तो बहुत ख़राब है लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस टाइप की थी मेरे पास बुक्स। उसमें से मैंने काफ़ी पिक्चर्स वगैरह ली हैं इसकी, मैं और भी काफ़ी चीज़ें बना रही हूँ। जैसे ये है, ये मेरे पास इसकी बुक है, तो जो सही वाला पेज है मैं आपको वो दिखाती हूँ। जैसे ये है, इसमें कैपिटल एस है और स्मॉल एस है। ठीक है, और इसमें काफ़ी लेटर्स हैं, सन है, शूज़ है, सॉक्स हैं, शीप है, यानी कि एक वर्ड, एक लेटर से 4 वर्ड्स हैं। तो मैंने इसको ये बताया, पहचान करवाई कैपिटल की और स्मॉल की, देन मैंने इसको प्रॉपर ये नीचे मैं राइट करके देती थी, देन उसके ऊपर ये ट्रेस करती थी। ये भी ट्रेसिंग वाली ही थी, मैंने इसको ट्रेसिंग ही बना दिया था, हालांकि ये ट्रेसिंग वाली नहीं थी, ये खुद से राइटिंग करने वाली थी, लेकिन मैंने इसको ट्रेसिंग बना दिया था। तो उसने ये सारे वर्ड्स इसको मैंने साथ साथ लर्न करवाए। ठीक है, देन एक और बुक थी मेरे पास, ये काउंटिंग की, ये वाली, इस पर भी ऐसे ही, ये अरेबिक में लिखा हुआ है लेकिन मैंने उसको उर्दू में ही करवाया था। काउंटिंग की बुक शॉर्ट्स थी जो मिल नहीं रही थी, तो मैंने इसको ये फिर ये स्टार्ट करवाया। मैंने इसमें से काफ़ी पिक्चर्स यूज़ की हैं जी, तो ये आप देख सकते हैं ये सारी। फिर मैंने इसको ये वाला स्टार्ट करवाया था, करवाई थी बुक, इसके साथ वर्ड्स हैं, वर्ड्स के साथ पिक्चर्स हैं, लेटर्स के साथ पिक्चर्स हैं, ये सारा इसने कर्सिव में जी। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि फिर उसके बाद मैंने
जब उसको वो ये तीन बुक्स फिनिश करा दी तो मैंने इसके बाद दोबारा राइटिंग प्रैक्टिस उसको स्टार्ट कराई, जिसमें ये था। फिर मैं पूरा वन वन पेज कराती थी, पहले मैं उसको थ्री थ्री या टू टू, ये अब आपको सही नज़र आ रहा है, सॉरी थ्री लाइंस या टू लाइंस कराती थी। देन उसके बाद ये इन्होंने नीचे वाली जो लाइन है वो डॉट्स के लिए दी हुई है, मतलब इस पर बच्चा खुद से सेल्फ राइटिंग करेगा डॉट। लेकिन फिर भी मैं डॉट्स लगा के नीचे ट्रेस करके हल्का सा देती थी, कहीं पे मुझे लगता था कि ये वाला वर्ड, ये वाला लेटर ये खुद लिख सकती है, जैसे ये डी है। तो मैंने उसको बताया था कि आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है फोर लाइंस पे, देन उसके बाद आपने इसका टमी बना देना है। तो उसने बिल्कुल वैसे ही इसको लिया और उसका टमी बनाया। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले में ट्रेसिंग में, नीचे वाले में उसकी राइटिंग में डिफरेंस आप देख सकते हैं कि उसने ये खुद से लिखा है, बिल्कुल खुद से लिखा है, ना मैंने हैंड पकड़ा है ना ट्रेसिंग दिया है, सिर्फ डॉट्स दिए हैं जिसके ऊपर उसने खुद से लिखा है। ठीक है, ये सारा इसने वर्क जो है इंग्लिश का इसी तरह। फिर ये जो था इसमें भी, ये वाली जो थर्ड वाली लाइन थी ये ट्रेसिंग विदाउट ट्रेसिंग थी, तो ये मैंने इसको डॉट्स लगा के दिए हैं जिसके ऊपर इसने ये खुद से राइटिंग प्रैक्टिस किया। ये इसी तरह जी तक था। फिर उसके बाद उर्दू का ये काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो काउंटिंग का भी उसने बिल्कुल इसी तरह से किया। मैंने इसमें से कुछ पिक्चर्स यूज़ किए हैं इसके वर्क के लिए, जो मैं इसकी बुक बना रही हूँ, एक और टू बुक्स और है नेक्स्ट जो मैं बना रही हूँ। इसमें से मैंने कि आप देख सकते हैं कटिंग हुई है, ये मैंने पिक्चर्स लिए हैं इसमें से। देन उसके बाद ये उर्दू का वर्क है जो इसने स्टार्ट किया था, और वो भी इसी तरह इसने ये थर्ड वाली जो लाइन है ये खुद से लिखने थी, खुद से सेल्फ राइटिंग की थी डॉट्स लगा के, तो मैंने इसको लिखवाया है। ये आप देख सकते हैं इसने सारा वर्क जो है वो कंप्लीट किया हुआ है, मतलब ये बुक उसने कंप्लीट कर ली हुई है। उसके बाद ये वाली सेम टू सेम, ये बिल्कुल वही बुक है, सेम टू सेम वही बुक है, ये देख सकते हैं आप, सेम टू सेम वही बुक है, वही सब कुछ है। ये कलरिंग भी आप देख सकते हैं, ये कलरिंग भी उसने खुद से की है, कलर्स साथ साथ मैंने कलरिंग उसको सिखाई है कि हाउ टू डू कलर। और ये देखिए कितनी प्यारी उसने कलरिंग की है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद जब बच्चे की ग्रिप स्ट्रांग हो जाती है देन वो कलरिंग भी उसकी इतनी ही स्ट्रांग हो जाती है। ये देखिए, और मैंने कभी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि डेली ही उसको ये काम करवाना ही करवाना है। इफ़ शी सेज़ नो, नो मीन्स नो, कि मतलब अभी नहीं करना है उसने काम, कुछ देर बाद। लेकिन अगर वो सारे दिन में भी नहीं करना चाह रही, वर्क की तरफ नहीं आ रही, तो मैंने कभी फोर्स नहीं किया उसको कि हाँ नहीं आज तो वर्क करना ही है। हाँ सम टाइम ये होता था कि एक दिन का गैप आ जाता था या टू डेज़ का गैप आ जाता था, बट थर्ड डे में उसको मना के तो वो काम करवाती थी। ये देखिए ये सारा इसने कंप्लीट किया है, ये देख सकते हैं आप, कलरिंग भी एंड ईच एंड एवरीथिंग शी डिड। तो उसके बाद मैंने फिर इसको एक सिंपल बुक्स पे, सिंपल नोटबुक्स पे मैंने इसको वर्क कराना स्टार्ट किया है। अब ये स्टार्ट किया है, मतलब अब मैंने इसको दिसंबर में स्टार्ट कराया था, तो दिसंबर से लेके अब तक काफ़ी मंथ हो गए हैं, जनवरी से लेके अब तक 9 मंथ हो गए हैं। तो ये देखिए, अब ये जस्ट मैंने इसको डॉट्स लगा के दिए हैं, ये जो मैंने इसको, सॉरी आपको नज़र अब क्लियर है, ये मैंने जस्ट इसको डॉट्स लगा के दिए हैं। लेकिन फिर भी ये है कि मैं साथ बैठती हूँ, बताती हूँ इसको कि ये जो कैपिटल बी है वो कैसे है, कितनी लाइंस पे है, इसका फेस कितनी लाइंस में, उसका टमी कितनी लाइंस में, और स्मॉल बी जो है वो कितनी लाइंस पे है। एंड देन ये आप देख सकते हैं सी डी, और नेक्स्ट शी विल राइट ई एंड एफ। इसी तरह काउंटिंग की भी मैंने साथ में बताया है इसको पिक्चर्स के साथ, शी इज़ ऑन नंबर 5। देन ओके जी, ये वर्क यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद मैंने कुछ एक्टिविटीज़ भी इसकी बनाई हुई हैं, जैसे ये मैथ्स की हैं। एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं और पिक्चर्स बहुत ज़रूरी हैं साथ में, क्योंकि उससे बच्चे को ज़रा आइडिया होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या राइट कर रहे हैं।
अब ये इसकी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपने मैच करना है, काउंट करना है, मैच करना है, सेम डिजिट्स को मैच करना है, ठीक है, और ये 1 to 10 तक कंप्लीट करना है, काउंटिंग कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद ये आपने काउंट करना है और सही जो डिजिट है वो लिखना है। इसी तरह जब 10 तक कंप्लीट हो जाएगा, ये मैंने 1 to 10 तक की एक्टिविटीज़ 4 बनाई हैं, उसके बाद जो 11 से स्टार्ट है तो ये 20 तक, इसके बाद मैं दोबारा से इसकी एक्टिविटीज़ 11 to 20 तक इसकी एक्टिविटीज़ बनाऊंगी। इसी तरह उर्दू की भी बनाऊंगी और इंग्लिश की भी बनाऊंगी। इंग्लिश की शायद मैंने एक आज कुछ बनाई हो, जी ये मैंने बनाई थी इसकी सर्कल द लेटर जी, ठीक है, जी को आपने इसमें से सर्कल करना है, देन आपने ये सेम डिजिट्स को मैच करना है, ठीक है, ये ए टू जे तक आपने राइट करना है, यानी कि 10-10 लेटर्स को आप लेके, 10-10 वर्ड्स को, 10-10 डिजिट्स को लेके आप जो है वो एक्टिविटीज़ बना सकते हैं, मतलब 10 डिजिट्स जब कंप्लीट हो जाएं या 10 लेटर्स कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद ये आप एक्टिविटीज़ बीच में डालें ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। ये देखिए, ये आपने फर्स्ट लेटर लिखना है पिक्चर्स के सामने, उसका फर्स्ट लेटर लिखना है, ये आपने लेटर्स को, ठीक है, पिक्चर्स के साथ मिलाना है। उसके बाद साथ साथ मैं ये करवा रही हूँ उसको, और साथ साथ मैं उसकी एक और बुक बना रही हूँ राइटिंग की, वो भी राइटिंग है, ये देखिए, इसमें भी मैं इसको डॉट्स की बता रही हूँ, ठीक है, इसको डॉट्स ही लगा के दे रही हूँ ताकि इसकी राइटिंग जो है वो स्ट्रांग हो, राइटिंग जो स्ट्रांग है, आप देख सकते हैं कि अब ये कितना नीट हो गया है, इसका वर्क जो है वो कितना नीट हो गया है, कितना उसमें कितनी जो है वो मैच्योरिटी आ गई है वर्ड्स में, लेटर्स में, इसके लेटर्स में कितनी मैच्योरिटी आ गई है, ठीक है। तो ये मैंने एक सेपरेट रखा हुआ है, इसको मैंने सेपरेट जो है वो डिज़ाइन कर रही हूँ। देन इसी तरह ये मैथ्स का है, मैथ्स का भी मैंने नहीं डिज़ाइन किया, जैसे जैसे मैं डिज़ाइन करूँगी तो मैं आपको उसके बारे में भी बताती चलूँगी। अब ये देखें, उर्दू का चूँकि इसको इंग्लिश के काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश के लेटर्स के साथ स्टार्ट होते हैं, जैसे ए फोर डिफरेंट लेटर्स हैं जो इसको आते हैं, वर्ड्स हैं जो इसको पता है, इसको पहचान है कि ए फोर एप्पल है, ए फोर एरोप्लेन है, ए फोर एस्ट्रोनॉट है, ए फोर आंट है, तो 4 to 5 वर्ड्स जो है वो इसको पता है कि लेटर ए से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह ए टू जी इसको कम्प्लीट 4 to 5 लेटर्स की पहचान है, इसको पता है कि आते हैं। देन उसके बाद मैंने सोचा कि इंग्लिश की उसकी वोकैबुलरी इतनी हाई है, उसके माइंड में इतने वर्ड्स हैं, तो उर्दू के भी होने चाहिए, बिकॉज इट्स आवर लैंग्वेज, हम दिन भर में ये बोलते हैं, तो उर्दू में भी इसको पता होना चाहिए। अब वो पढ़ती है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको ये अलिफ स्टार्ट कराया है, तो अलिफ मैं कहती हूँ आपको पता है ये क्या है, ये हम सुबह ब्रेकफास्ट में खाते हैं, तो वो कहती है अलिफ फॉर एग, ई फॉर एग, तो शी डिडंट नो कि हम इसको उर्दू में क्या कहते हैं, तो मैंने इसको ये सिखाया है, शी सेड दिस इज़ ग्रेप्स, दिस इज़ पाइन एप्पल एंड दिस इज़ अनार, अनार की इसको पहचान है कि दिस इज़ अनार, अलिफ अनार, तो लेकिन अब मैंने इसको ये सारे वर्ड्स उर्दू में सिखाए हैं, ठीक है। अब मैं बना रही हूँ इसके साथ साथ, और एक दिन मैं ये करवाती हूँ, एक दिन मैं इसको ये करवाती हूँ, ठीक है, मिक्स करके मैं इसको जंबल करके करवाती हूँ ताकि शी डिडंट फील बोर्ड विद सेम रूटीन। तो कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं जो मैंने इसी तरह, मैंने ये अभी इनकम्प्लीट है लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ, अलिफ मदा आम, आड़ू, आइसक्रीम, आंख, ठीक है, इसको ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में आते हैं बट इसको उर्दू में भी आने चाहिए, सो दैट्स वाई आई ड्रॉ देम एंड शी कलर्ड देम एंड समटाइम्स शी मेस विद द कलर्स, बट इट्स ओके, शी इज़ अ किड सो शी डिड दिस। देन अभी दिस इज़ इनकम्प्लीट वर्क, सो आई हैव डन इट फॉर माई किड, बट इसके साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैंने जो इसकी एक्टिविटीज़ ड्रॉ की हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी इसकी एक्टिविटीज़ बनाई हैं जो वो बहुत शौक से करती है। फ़िलहाल अभी मेरे पास 2-3 एक्टिविटीज़ हैं जो आई वॉन्ट टू शो यू कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं इसको
आप भी इसको करा सकते हैं घर पे, और बच्चों को जब आपने स्टार्ट कराना है मतलब एक्टिविटीज़ से मीन्स कि आपने कलर्स की पहचान करवानी है. फॉर एग्जांपल दीज आर द शेप्स, सो आई कट देम एंड शी पेस्टेड इट ऑन द पेपर एंड नाउ आई टेल हर व्हाट इज़ द शेप इज दिस. दिस इज़ अ सर्कल, इट्स अ रेड सर्कल, ब्लू, सॉरी थोड़े कलर्स आई थिंक सही नहीं आ रहे हैं ड्यू टू लाइट, सो आई थिंक नाउ इट्स बेटर. सो अब इसको ये शेप्स का पता है और कलर्स का पता है. ये एक मैंने एक एक्टिविटी ड्रॉ की है, सो शी कलेक्ट द राउंड थिंग्स इन हर टॉयज, ठीक है, देन शी कलेक्ट द स्क्वायर थिंग्स इन हर टॉयज, शी फाइंड आउट देम एंड देन स्टार, आपको पता है स्टार शेप के टॉयज बहुत कम होते हैं, तो शी ऑफन यूज्ड टू से मी मामा देर इज़ नो स्टार शेप टॉय. तो देन आई सेड लुक एट योर टेबल, दीज आर द स्टार्स. सो मैं रिजेंबल करती हूँ चीज़ों को, शेप्स को भी. अगर आपके पास कुछ है तो आप ये तो शेप्स हैं बट यू शुड रिजेंबल देम विद समथिंग, विद लिविंग थिंग्स और विद नॉन लिविंग थिंग्स इन योर रूटीन लाइफ. मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये स्टार है तो स्टार शेप की कोई और चीज़ आपके आस पास हो, जैसे लाइक अ स्टार फिश, you can show her, you can show your children starfish, ठीक है, then triangle की shapes आप बच्चों को दिखा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि ये कहाँ जो है वो triangle lie कर रहा है या कहाँ है ये shape, आप मुझे ढूंढ के बताओ. then उसके बाद ये simple colors हैं, colors का एक chart है जो मैंने उसको बना के दिया हुआ है, coloring chart, ठीक है. तो ये अपने ड्रेसेस जो है वो इन कलर्स को देख के सिलेक्ट करती है कि आज वो कौन सा ड्रेस पहनेगी, किस कलर का ड्रेस पहनेगी. इसमें ब्लैक एंड वाइट कलर मैंने ऐड नहीं किया, यू कैन ऐड देम टू. आफ्टर दैट एक ये मैंने एक्टिविटी बनाई है, दिस वन जी. तो इस एक्टिविटी में क्या है जी कि ये स्मॉल फेस है एंड ये लार्ज फेस है, ये स्मॉल है ये लार्ज है. तो आपने जिसका ऊपर स्मॉल फेस है वो आपने इसमें से सर्च आउट करना है एंड यू हैव टू कलर अकॉर्डिंगली, सेम कलर्स आपने करने हैं, ठीक है. देन ये लेफ्ट एंड राइट का मैंने कॉन्सेप्ट दिया है कि विच वन इज़ लेफ्ट एंड विच वन इज़ राइट. तो आपने फाइंड आउट करना है कि राइट पे अगर स्मॉल है तो आपने वो फाइंड आउट करना है, दिस इज़ राइट, दिस इज़ राइट, दिस इज़ राइट. सो आप सेम कलरिंग करेंगे जो ऊपर मेंशन है कलर्स. आफ्टर दैट यू विल डू इट सेम लाइकवाइज, ठीक है. आप कोई भी शेप्स बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल, स्क्वायर, स्टार, बट द पैटर्न शुड बी सेम, ठीक है. इसमें पैटर्न जो है वो सेम होना चाहिए. ये मैंने अभी इसको करानी स्टार्ट नहीं की है, ये स्टार्ट की थी बट शी डिड नॉट डेवलप द इंटरेस्ट, सो आई लेफ्ट इट. देन आई सेड सम अदर डे वी विल डू इट. और ये कुछ कार्ड की ये एक्टिविटीज़ हैं, ये मैं ये भी आपको बताती हूँ कि ये कैसे जो है वो होगी. ये मैंने कुछ नंबर्स हैं, सबसे पहले मैंने आई विल कट द डिफरेंट शेप्स ऑन कलर पेजेस, ठीक है. इट्स आ देन अगेन आई थिंक कलर्स इशू आ रहा है. रेड हार्ट है, ग्रीन सर्कल है, ब्लू स्क्वायर है, देन ब्लू हार्ट है, पर्पल रेक्टेंगल है. इसमें सारी मैंने शेप्स दी हैं, उसके बाद मैंने नीचे उसके नंबर्स जो हैं वो लिख दिए हैं, ठीक है. उसके बाद मैंने इट्स अ स्पेस एंड इट्स अ पॉकेट इन विच आई कट ऑल द शेप्स. ये वाली सारी शेप्स मैंने सेम कलर की कट करके इसमें जो है वो रखी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक करके दिखाती हूँ. थ्री, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास कार्ड है 3158 के कार्ड है, ठीक है. तो 3158 को मैंने फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट नंबर इज़ 3, तो 3 के ऊपर है ब्लू सर्कल, देन आई विल फाइंड इट ब्लू सर्कल फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इट हियर. देन 1 एंड 1 इज़ हार्ट, रेड हार्ट, देन आई विल पेस्ट रेड हार्ट हियर. देन 5 है, 5 के ऊपर है जी पर्पल rectangle, then I will paste purple rectangle here. Then 8 is a
blue square, then I will put a blue square here. ये देखिए, तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो ब्रेन रोस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके माइंड को सेट करती हैं, जो आपके माइंड को डेवलप करती हैं, आपके माइंड को ग्रो रीग्रो करती हैं, आप वो जो है वो डाल सकते हैं. और ये डिफरेंट टाइप्स की आप यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद मैं कुछ और एक्टिविटीज़ लेकर आऊँगी इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. सी यू.